तू ही नैया पार करेगा, गागर में सागर भरेगा, तू ही नैया पार करेगा, गागर में सागर भरेगा, घर घर खुशियाँ नाचे रे, अज्ञान गुरु ने मिटाया है, अज्ञान गुरु ने मिटाया है, घर घर खुशियाँ नाचे रे, अज्ञान गुरु ने मिटाया है, अज्ञान गुरु ने मिटाया है, तू ही नैया पार करेगा, सागर में सागर भरेगा। गुड मॉर्निंग छात्रों, तो आज आप सभी कैसे हैं? मैं समझता हूँ कि सभी कुशल होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम लोग कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, तो चलिए, आप हमसे दूर हैं, हम आपसे दूर हैं। जब विद्यालय खुला हुआ होता था तो हम दोनों एक साथ बैठ कर के आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करते थे, प्रयोग करते थे, क्लासरूम में, प्रयोगशाला में एक्टिविटी करते थे और हम लोग ज्ञान का शेयर करते थे दूसरे से। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम ऐसे अस्थि में, इस अस्थि और परिस्थिति में मैं अपने घर से ही आपको विषय पर वीडियो बना रहा हूँ, विज्ञान और गणित जैसे विषयों पर। तो आइए, आज हम एक प्रयोग करते हैं आपके बीच में। छात्रों, जब हम प्रयोग करते हैं तो सीखते हैं। आज हमारे यहाँ विद्यालयों में प्रयोग बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे, हमें जो सिद्धांत है उसकी जो सही अवधारणा है, उसका सही कंसेप्ट हमें समझ में आएगा। आज हम देखते हैं कि प्रयोग, जो प्रायोगिक परीक्षा होती है, वो बहुत कम अंकों का होता है। अगर 100 नंबर का कोई विषय है, भौतिकी है, रसायन विषय है, तो अगर जीव विज्ञान है, तो 100 अंक अगर है तो उसमें 70 मार्क्स होता है आपको थ्योरी और 30 मार्क्स होता है आपको प्रैक्टिकल। लेकिन मेरे समझ से उल्टा होना चाहिए, आपका 30 मार्क्स का थ्योरी होना चाहिए और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान और गणित एक ऐसा विषय है जो हम करके ही सीख सकते हैं, हम किताबों से रट करके नहीं सीख सकते। फिर तो हो गया, कथा वाली बात हो गई कि हम शिक्षक क्लास में विज्ञान जब पढ़ाएं और सिर्फ किताब में जो बातें लिखी हुई है उससे हम बोर्ड को यूज कर करके और उससे हम पढ़ा दें, तो फिर हम एक कथावाचक के रूप में काम करते हैं। वहाँ पर हम एक विज्ञान शिक्षक के रूप में वहाँ पर हम काम नहीं कर रहे हैं। विज्ञान शिक्षक का मतलब है कि हम जो भी विज्ञान की पुस्तकें होती हैं उसमें सारी गतिविधियाँ होती है, हम गतिविधि को करें। और इस सवाल को हमने SCRT पढ़ना भी, इसको हमने उठाया है वहाँ पर, कॉन्फ्रेंस हॉल में हम गए हैं कई बार, और इस सवाल को हमने वहाँ भी उठाया कि गणित और विज्ञान, ये दो विषयों का जो पढ़ाई हो, जो इसका क्लास ट्रांजेक्शन हो, वह बिल्कुल प्रयोग पर आधारित हो। सभी जो भी उसमें सिद्धांत है, जो भी पढ़ना उसमें है, वह सब का एक्सपेरिमेंट हो। हमने इस बात को वहाँ पर पटना राजधानी में जब विज्ञान मेला लगता है, वहाँ पर एग्जीबिशन होते हैं, तो वहाँ भी हम कई बार भाग लिए हैं। और वहाँ भी जो बिहार शिक्षा परियोजना है उसके प्राधिकारी वहाँ पर जो हमारे मॉडल्स को देखने के लिए आते थे, तो हमने भी उनको कहा है, जो टीम आती थी उस टीम को मैंने भी कह चुके हैं, हमने कहा है कि विज्ञान की पढ़ाई बिल्कुल प्रयोग से हो, हर स्कूल में, चाहे तो प्राथमिक विद्यालय ही क्यों ना हो, वहाँ भी एक प्रयोगशाला होना चाहिए और विज्ञान और गणित की कम से कम दो विषयों की पुस्तकें, दो विषयों की पढ़ाई जो हो वह पूर्णतः प्रायोगिक हो, बिल्कुल प्रयोग से बच्चों को समझाया जाए, उसके लिए व्यवस्था हो सकती है। तो चलिए, आज हम एक प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग क्लास 7 की पाठ्यपुस्तक में, विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में है, वो दहन चैप्टर में है। देखिए, हमने क्या क्या लिया इसमें, इस प्रयोग करने के लिए क्या लिया। हम रंगीन पानी लिए, आप एक प्लेट में पानी आप ले लें, इसे आप स्वयं कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें युक्ति की आवश्यकता नहीं है इसमें, और बहुत ही वैसा सामान का यूज हम नहीं कर रहे हैं जो आपका दुर्लभ है, वो आपके सारे सामान घर में मिल सकते हैं। ये आपका रंगीन पानी है, आप देख रहे हैं, जिसमें कैंडल को हमने जला दिया है, जलाए कैंडल को।
और एक शीशे की गिलास है। अब देखिए, हम इस गिलास से इस कैंडल को ढकते हैं और ढकने के बाद आप देखेंगे क्या होता है इसमें। चलिए देखा जाए। क्या हुआ? कैंडल बुझ गई और पानी का स्तर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लास में कि पानी का स्तर आपका देखिए कहाँ पर पहुँच गया, ये ऊपर हो गया, ये पानी का स्तर आपका ऊपर हो गया लेवल, यानी ग्लास के अंदर पानी ऊपर चढ़ गया है। ऐसा क्यों हुआ? तो आप जानते हैं कि किसी वस्तु को जलने के लिए, जो भी दहन योग्य वस्तु है, जलने लायक वस्तु है, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने कैंडल को हमने जलाया यहाँ पर, और जब ग्लास को हम ढके तो ग्लास के अंदर की जो हवा थी वो बिल्कुल एयर टाइट हो गया, यानी कि अंदर की हवा बाहर नहीं आ सकती है और बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती। इस तरह से जब ढकने के बाद ऐसा हो गया। अब अंदर देखिए क्या हुआ, कैंडल जला, जितना देर कैंडल जलता है उतना समय तक वह क्या होगा, इस हवा में जो ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करेगा, और जितना भी इसमें गिलास के इतने भाग में जो जल स्तर के, जो देख रहे हैं कि पानी के ऊपर जो गिलास का पोर्शन है उसके अंदर में जितना भी वायु है, हवा भरी है, हवा में जो ऑक्सीजन का मात्रा है, ऑक्सीजन का अनुपात है, आप जानते हैं कि हवा में 21% ऑक्सीजन का अनुपात है, तो उस हवा में जितना ऑक्सीजन था उस ऑक्सीजन को इसने यूज कर लिया जलने के लिए। जितना देर जलाया वह जलने के लिए उतना ऑक्सीजन को ये खपत कर लिया, कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया, तो उतना स्थान हमारा खाली हो गया। अब जैसा जान रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कि पानी के ऊपर रखा हुआ है, गिलास रखा हुआ है, बाहर के बाद तो अंदर नहीं जा सकती है ना, तो अब उस स्थान को भरने के लिए क्या होता है कि ये जो बाहर पानी है, ये प्लेट में जो पानी रखा हुआ है, वह पानी ही ऊपर चढ़ जाता है इसमें भरने के लिए, क्योंकि दबाव का अंदर हो गया, अंदर का प्रेशर कम गया, बाहर का प्रेशर अधिक है ना, तो बहाव किधर होगा, तो द्रव का बहाव किधर होगा, अधिक दबाव से कम दबाव किधर होगा, तो इस तरह से पानी इसके ऊपर चढ़ गया। और अब देखें कि इतना हवा इसमें बची हुई इसमें है, इतनी हवा इसमें है, यानी कि इस प्रयोग से आपको ये स्पष्ट होता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आप इस प्रयोग को आप स्वयं भी कर सकते हैं, आप घर में भी खुद कर सकते हैं, इसको करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जरूरत नहीं है। आप पानी है, पानी को किसी भी रंग से रंग सकते हैं, इसके बाद कैंडल है, छोटा सा कैंडल का टुकड़ा यहाँ पर जला दें आप, जो है माचिस की आवश्यकता एक गिलास है, बस इतना से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि इस प्रयोग के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि जो जलने लायक वस्तु है, जो भी वस्तु, जाहिर वस्तु है, उसे जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एक बार पुनः, यह कैंडल जलता है, जितना देर कैंडल जलता है उतना देर वह ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, इस गिलास के अंदर जो हवा है उसको, उसमें जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है उसने किया, और इसके बाद जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, जो ऑक्सीजन जल ऑक्सीजन खपत हो गया, उस जगह को भरने के लिए, ये बाहर से हवा तो आ नहीं सकती अंदर में, तो उस स्थान को भरने के लिए पानी ही देखिए ऊपर चढ़ गया, इतना पानी ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि इतना यहाँ से यहाँ तक ग्लास में जो हवा है, हवा का इतना अनुपात ऑक्सीजन का कंज्यूम इस कैंडल ने किया। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद छात्रों। हम समझते हैं कि इस प्रयोग के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे, इस प्रयोग को करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको ये बस समझाना है कि जलने के लिए, दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो चलिए धन्यवाद।